हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई ORM 4 का सेक्शन ई पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो पैसेज वन, फर्स्ट पैसेज है एन ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पी। तो पी आपके पास ए साइक्लिक है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C6H10, गिव एसीटोन इज द ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो इसका जब रिएक्शन होता है तो सबसे लास्ट में एसीटोन ही बनता है, ट्वाइस CH3 C डबल बॉन्ड CH3। थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इन विच क्यू इज एन इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें क्यू आपका इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पी इज। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप किसी एक को पी मान के फर्दर रिएक्शन करवाते जाइए और देखिए कि एसीटोन बनता है या नहीं बनता है। तो जिसमें एसीटोन बनेगा वो आपका पी हो सकता है, लेकिन हम रिवर्स में जाएंगे। यहाँ देखिए, पहले कंसनट्रेटेड H2SO4, तो Q में कंसनट्रेटेड H2SO4 माइनस H2O हुआ है, मतलब Q जो है वो अल्कोहल है, जिससे कि एल्कीन बना है डबल बॉन्ड, माइनस H2O हटा तो OH और H से डबल बॉन्ड इलिमिनेशन हो गया तो आपका अल्कीन बन गया। उसके बाद अल्कीन का फर्दर ओजोनोलिसिस हुआ O3 जिंक ऑब्लिक H2O से, तो एसीटोन बना। तो मतलब सी डबल बॉन्ड O, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तो अल्कीन आपका यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तभी तो डबल बॉन्ड तोरो ओजो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लोन CH3 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 CH3। मतलब इसका ओजोनोलिसिस होगा तो डबल बॉन्ड तोरो ओजोरो, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो दोनों से एसीटोन ही बन रहा है, इसलिए 2 मोल एसीटोन का बना। तो आपके पास अल्किन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 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 CH3। तो ये जो अल्किन बना है क्यू में कंसनट्रेटेड H2SO4, मतलब क्यू में एच और ओ एच के इलिमिनेशन से हुआ है। तो अब आप नहीं बता सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड यहीं पे होगा, क्योंकि हो सकता है कार्बो के टाइन का रीअरेंजमेंट हो गया हो, तो ये इस तरह से पता नहीं चलेगा, मतलब फर्दर आपको इधर स्ट्रक्चर से ही रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 ऑब्लिक HCSO4 से, तो H और OH ऐड होगा, तो यहाँ पे एक H ऐड होगा और यहाँ एक OH, तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में तो एक और OH, मतलब यहाँ सी डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कार्बन 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 कार्बन, उसके बाद सी डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर कार्बन CH3। बाकी आप हाइड्रोजन खुद से फिलअप कर लीजिएगा ये सब में। देखिए 1 2 3 4 5th, तो 1 2 3 4 5th से सी डबल बॉन्ड CH3। इसके बाद फिर NaBH4 ऑब्लिक इथानल और डाइल्यूट एसिड, तो ये रिडक्शन कर देगा तो इसको OH बना देगा, तो CH2OH। अब इससे ये जो Q बना है इससे माइनस H2 होगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, फर्दर इसका रिअरेंजमेंट होगा नहीं, क्योंकि रिअरेंज करके भी 2 डिग्री ही बनाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये वाला अल्किन और ये वाला अल्किन सेम नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे तो किसी एक पे डबल बॉन्ड आएगा, बाकी CH2 बन जाएगा, तो यहाँ से भी आपका जो अल्कीन बनेगा, तो देखिए 1 2, थर्ड कार्बन से सी डबल बॉन्ड हो, फिर फोर्थ, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और ये जब NaBH4 से तो ये OH बना लेगा अल्कोहल, और यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, फिर से 2 डिग्री कार्बन के टाइम है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड के लोग 2 इथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन, लेकिन 4 मिथाइल ग्रुप चाहिए, तो ये भी रिजेक्टेड, तो ए भी नहीं हो सकता है पी। उसके बाद सी, तो सी में एच यहाँ ऐड होगा ताकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आए, स्टेबलाइज होगा इसके प्लस आई से, तो यहाँ पे फर्दर OH अटैच हो जाएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, फिर एक एच यहीं पे ऐड होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस केस में इसका तो प्लस आई लगेगा ही, OH का प्लस एम भी स्टेबलाइज करेगा कार्बो के टाइम को, तो नेक्स्ट OH भी यहीं से ऐड होगा, मतलब एक कार्बन से 2H, मतलब -H2O, तो सी डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे अटैच होगा, तो आपके पास कार्बन, इससे एक कार्बन, एक कार्बन, 2 मिथाइल ग्रुप है, नेक्स्ट कार्बन से सी डबल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन, फिर कार्बन। अब फर्दर NaBH4 ऑब्लिक इथानॉल और डाइल्यूट H2SO4 से, तो ये अल्कोहल बना लेगा रिड्यूस करके CH2H। अब क्यू जो बना है इसका रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 से ये H प्लस एक्सेप्ट करके OH2 प्लस बनाएगा लिविंग ग्रुप, तो चला जाएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये 2 डिग्री कार्बो के टाइन है, और जब इस तरफ रिअरेंज होगा तो 3 डिग्री कार्बो के टाइन बनेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है
तो ये यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा, तो 3 डिग्री कार्बो केटायन बना लेगा, कार्बन कार्बन यहाँ से कार्बन, पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। अब ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का एच जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट तो यही वाला एल्किन बनेगा। अब देखिए डबल बॉन्ड कार्बन के एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप दो है, लेकिन एक तरफ एक इथाइल ग्रुप हो गया, जबकि दोनों डबल बॉन्ड के लोग दो दो मिथाइल ग्रुप चाहिए, तो सी भी रिजेक्टेड। अब लास्ट ऑप्शन यही बच गया, डी ही होगा। अब आप इसको भी चेक कर लीजिए, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ सी डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से दो और हाइड्रोजन एड हो जाएगा तो सी एच थ्री, और ये सिंगल बॉन्ड है। अब एन ए बी एच फोर से ये ओ एच बना लेगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, तो ये फिर क्यू हो गया, क्यू में कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर मतलब डिहाइड्रेशन, तो एच प्लस एक्सेप्ट करके ओ एच टू प्लस लिविंग ग्रुप बनाएगा, तो यहाँ से ये चला गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए कार्बन से तीन मिथाइल ग्रुप अटैच है, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन से पॉजिटिव चार्ज और फिर एक सी एच थ्री अटैच है, तो कार्बन, हाइड्रोजन आप खुद से फिलअप कर लीजिएगा। अब रीअरेंजमेंट होगा तो 2 डिग्री से 3 डिग्री में जाएगा, तो इस केस में हाइड्रोजन है नहीं तो कार्बन जाएगा, मतलब यहाँ से एक और मिथाइल ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड के लो सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, तो आपका ये अल्किन बन जाएगा, क्यू का रिएक्शन जो कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर से होगा, मतलब पी आपका डी है। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड क्यू इज, तो यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद ओ एच, मतलब तीन मिथाइल ग्रुप होना चाहिए और नेक्स्ट कार्बन से ओ एच और सी एच थ्री, तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि पी से यहीं पे तो ओ एच लगेगा एन ए बी एच फोर के बाद रिडक्शन के बाद, तो आपका बी ऑप्शन होगा। बाकी में तो एक कार्बन से तीन मिथाइल ग्रुप अटैच ही नहीं है, देखिए दो ही मिथाइल ग्रुप है, दो ही मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ तो एक भी मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है। इसके बाद सेक्शन एफ इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ एल्किन्स पॉसिबल बाय टी हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3-bromo-3-cyclopentylhexane यूजिंग अल्कोहलिक QOH। तो आपके पास 3-bromo-3-cyclopentylhexane है, हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड से ब्रोमिनेटेड है और थर्ड से ही साइक्लोपेंटाइल ग्रुप, तो ये इस तरह से 5 मेंबर रिंग साइक्लोपेंटाइल हो गया। अब बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर दीजिए, तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री अल्कोहलिक के ओ एच मतलब ई टू, तो ई टू होगा तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से बी आर डबल बॉन्ड आएगा, तो एक पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आए, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आए, तीसरा पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आए, क्योंकि ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, तो आपके पास जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ से एक इथाइल ग्रुप है C2H5 और एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही, उसके बाद नेक्स्ट इससे एक साइक्लोपेंटाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप C2H5। नेक्स्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड ये दिया ये वाला जो है, तो आपका दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3, नेक्स्ट कार्बन मतलब एक हाइड्रोजन भी रहेगा डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ से एक साइक्लोपेंटाइल ग्रुप और एक नॉर्मल प्रोफाइल ग्रुप CH2 CH2 CH3। इसके बाद ये वाला कार्बन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ से ये इस तरह से, और इसके एक तरफ नॉर्मल प्रोफाइल ग्रुप है CH2 CH2 CH3 और एक तरफ इथाइल ग्रुप C2H5। तो ये तीन अल्किन पॉसिबल है, अब इसमें आपको GI भी देखना होगा क्योंकि टोटल पॉसिबल अल्किन पूछ रहा है, तो इसमें GI पॉसिबल है मतलब E एंड Z टू स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड के लोग दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक इथाइल एक हाइड्रोजन, एक इथाइल एक साइक्लोपेंटाइल ग्रुप डिफरेंट ग्रुप है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक नॉर्मल प्रोफाइल ग्रुप एक साइक्लोपेंटाइल ग्रुप, और इसके लोग एक मिथाइल और एक ये जो हाइड्रोजन है, तो दो ग्रुप है, तो ये भी ई एंड जेड शो करेगा, तो टोटल दो प्रोडक्ट ये भी शो करेगा, दो प्रोडक्ट ये भी शो करेगा, लेकिन इस केस में ये डबल बॉन्ड के लोग
इस कार्बन के लोन सेम ग्रुप है, देखिए CH2, इधर भी CH2, उसके बाद फिर CH2, फिर CH2, उसके बाद खत्म। तो सेम है इसलिए ये GI के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब एक प्रोडक्ट। तो टोटल 2+2+1। तो पहला का आंसर होगा 5, टोटल पॉसिबल एल्किन 5 होगा। इसके बाद सेकंड, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन क्यू इज, तो क्यू में टोटल हाइड्रोक्साइल ग्रुप कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले एच प्लस के साथ हीट कर रहे हैं, मतलब डिहाइड्रेशन होगा एसिडिक मीडियम में, तो ये OH जो है OH2+ बनाएगा एच प्लस एक्सेप्ट करके, और ये लिविंग ग्रुप तो यहाँ चला गया। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो आपके पास इस तरह से, यहाँ से दो मिथाइल ग्रुप है और नेक्स्ट कार्बन से पॉजिटिव चार्ज, ये 2° कार्बोकेटायन है। और कार्बोकेटायन जहाँ भी बनता है तो अपने से स्टेबल कार्बोकेटायन में रीअरेंज कर सकता है, तो इस तरफ 2° रहेगा तो इस तरफ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन इस तरफ जब रीअरेंजमेंट करेगा तो मिथाइल शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे 3° कार्बोकेटायन बन जाएगा, मतलब 3° कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि 2° से ज़्यादा स्टेबल होता है 3° कार्बोकेटायन। तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे रहेगा, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे जो था पहले से वो तो रहेगा ही। इसके बाद हीट हो रहा है तो माइनस एच प्लस होगा, ये जो एच यहाँ से अटैच्ड है तो ये चला जाएगा हीट होने के बाद, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपके पास CH3 यहाँ डबल बॉन्ड, नेक्स्ट यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, तो ये आपका पी है। अब पी का रिएक्शन करवा रहे हैं एक्वस डाइल्यूट के MnO4 से, एक्सेस में है कि ये बेयस रिएजेंट है, और बेयस रिएजेंट क्या करता है, डबल बॉन्ड के लोग दो OH ग्रुप अटैच कर देता है सीन एडिशन, तो सीन और एंटिस तो हमको कोई मतलब नहीं है, टोटल हाइड्रोक्साइल ग्रुप काउंट करना है, तो एक डबल बॉन्ड के लोग दोनों कार्बन से OH अटैच कर देगा, सिमिलरली यहाँ से भी दो OH अटैच कर देगा, तो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड हट जाएगा और दो OH अटैच हो जाएगा इस तरफ से, एक CH3 एक CH3 पहले से था, OH अटैच हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड हट जाएगा और दो OH लग जाएगा। तो ये आपका Q है, Q में टोटल कितना हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, OH ग्रुप है, 1, 2, 3, 4, तो आंसर 4 होगा इसका सेकंड का। तो यहाँ पे ORM 4 का डिस्कशन खत्म हो गया, प्रीवियस 42 ईयर IIT JEE का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।